चौपाल चर्चा के अंतर्गत कृषि संबंधित सुधार बिल को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया तराना विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे एवं ग्रामीण क्षेत्र में चौपाल चर्चा कर बिल के बारे में कृषक भाइयों को होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया। इसी कड़ी में तराना नगर के महितपुर नाका पर नुक्कड़ सभा लेकर सांसद ने चौपाल सभा का समापन किया। सर्वप्रथम सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण कर सांसद ने कहा कि हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाना हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण हो या कृषि संबंधित सुधार बिल हो। हमारी केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार निरंतर विकास कर रही है। हमारे कार्यकाल में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जो कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकर मजले टोलों तक को नगर की मुख्य रोडों से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रत्येक कच्चे घर को पक्का बनाने का काम जारी है। उज्ज्वला योजना अंतर्गत गैस चूल्हे मुहैया कराए जा रहे हैं। अटल ज्योति योजना अंतर्गत प्रत्येक गांव में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ऐसी तमाम योजनाओं से उपस्थित जन को अवगत कराया। साथ ही विपक्ष द्वारा किसान को जो भ्रमित किया जा रहा है उससे किसान जन को समझाने का प्रयास किया। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया के साथ मंच पर भाजपा उज्जैन जिला ग्रामीण जिलाध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, जिला उपाध्यक्ष हरिजीत सिंह ऊंझा, पूर्व मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश राठौर, राजेश बलोड़, प्रहलाद जाजू, मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन मंडल अध्यक्ष प्रवीण पालोत्रा ने किया। आभार कैलाश परिहार ने माना। अटल ज्योति योजना के अंतर्गत मजरे टोले तक लाइट देके किसान को उन्नत करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मतलब वो नरेंद्र मोदी है, इस राहुल गांधी तो वो नेता है जो ट्रैक्टर पे भी सोफे के ऊपर सोफा रख के बैठते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि आलू जमीन के अंदर होता है कि जमीन के ऊपर होता है, तो किसान नेता कहाँ से हो सकता है। सर, बात सड़कों की बात की जाए, आप अभी बात कर रहे थे सड़कों की जो बात आ रही है अभी समाचार पत्र में प्रकाशित, तो आपने कहा कि ये काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया और उसका लाभ कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे हैं, ले रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक आपने लोकसभा में झूठ बोलो और जोर से बोलो, इतना जोर से बोलो कि लोग उस झूठ को ही समझ लें। ये कांग्रेस की नीति है, काम करना नहीं और झूठ बोलना। जैसे इन्होंने झूठ बोला कि 2 लाख रुपए कर्जा माफ, बिजली का बिल हम महिलाओं के सहायता समूह में 1-1 लाख रुपए देंगे, हम बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए महंगाई बेरोजगारी भत्ता देंगे, हम 51,000 रुपए कन्यादान योजना में देंगे, हम मेधावी छात्रा को स्कूटी देंगे। आज वो बेचारी कन्यादान योजना में जिन बेटियों की शादी हो गई वो मातृत्व हो गई है, उनका लाल गोपाल आ गए, लाली लक्ष्मी पैदा हो गई, लेकिन आज तक उस बिटिया को 51,000 रुपए नहीं मिले। आज मेधावी छात्रा स्कूटी की बात करी थी इनने, स्कूटी का हैंडल का पहिया नसीब नहीं हुआ। ये युवा खड़े, इनसे पूछ लो अगर इनके खाते में 4-4 रुपए भी डाले हो तो। कांग्रेस तो झूठ का पुलिंदा है, झूठ बोलती है और सिवाय झूठ के कुछ काम नहीं। किसान भी आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद किसान को, मजदूर को, गरीब को, युवाओं को और बेटियों को राहत मिली है। इनने तो इतना बड़ा गंदा काम करा, इनने संबल योजना में जो गरीब लोगों की मृत्यु हो जाती थी उनको 5,000 रुपये उनके दाह संस्कार के लिए लकड़ी कंडे के लिए दिए जाते थे वो तक बंद कर दिए। इनने कफन का पैसा बंद कर दिया, इन्होंने बीमार दुखी इलाज का पैसा बंद कर दिया, इन्होंने एक्सीडेंट में जिसकी मौत हो जाती थी उनको 2 लाख रुपये और जो कोई डूब के अगर किसी की मृत्यु हो उसको 4 लाख रुपये देते थे वो बंद कर दिए। ये ऐसे झूठल्ले कांग्रेस ही है कि ये अब किसी आ रहे हैं कि हमने 15 महीने में कुछ नहीं कर पाया जो शिवराज सिंह चौहान ने 5 महीने में करके दिखाया। अब लोगों को फिर विश्वास हो गया है कि उनका दुख दर्द का साथी शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, इसलिए कांग्रेसी बौखला रहे। सर, किसानों को यूरिया के लिए भारी